नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 13 अप्रैल 2022 बुधवार है। हम हर रोज की तरह निफ्टी में कल क्या का रुख बनता है और अगले कुछ दिनों का क्या रुख बन सकता है उसकी बात करेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि कल तो बाज़ार बंद है और शुक्रवार को भी बाज़ार बंद है, इसलिए हम आज बात करेंगे कि अभी क्या रुख बन रहा है, यानी कि आज की बाज़ार के बाद में क्या निफ्टी का रुख बनता है, सोमवार को क्या रुख बनेगा, ये है ना, कई अगले दो दिनों में विदेशी बाज़ार क्या करते हैं, क्या समाचार आते हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे ये सोमवार शुरू होने के पहले, लेकिन आज की क्या स्थिति है वो तो देख लें। इसमें दो चार्ट हैं, दोनों निफ्टी के चार्ट हैं। इस नीचे वाले चार्ट में देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये लो लैग मूविंग एवरेज है, ये ट्रेंड बताती है, ये पिछले तीन दिनों से नीचे चल रही है, यानी ये नीचे घूम चुकी है और ये हमको बता रही है कि बाज़ार में अब हल्की मंदी का आसार है। हल्की इसलिए क्योंकि हम एक लंबे तेज़ी के बाद में जब आए हैं, तो हो सकता है कि ये सिर्फ करेक्शन ही हो। ऊपर देखते हैं, ऊपर के चार्ट में आप देखिए, ये मोमेंटम का इंडिकेटर है, RSI का बहुत बढ़िया मॉडिफाइड इंडिकेटर है जो कि मैंने खुद बनाया है। ये RSI का इंडिकेटर थोड़ा स्लो होता है, ये भी कल घूम गया था और आज फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे ही नहीं आ रहा है, ये अब अपर बैंड को तोड़ने के लिए तैयार भी है। तो RSI भी हमको यही बता रहा है कि हम मंदी में तो नहीं, हम किसी करेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। प्राइस क्या कहते हैं? सच बात यह है कि प्राइस भी यही बात बता रहे हैं। लेट्स हैव देखते हैं, ये आज का प्राइस बार है। ये बाज़ार यहाँ खुला, यहाँ बंद हुआ था तो थोड़ी गैप के साथ खुला, इस गैप में अच्छी तेज़ी आई और यहाँ तक बाज़ार पहुँच गया, लेकिन शुरू के 20 मिनट में ही ये सारी कहानी हो गई। 20 मिनट में इस तेज़ी के बाद बाज़ार नीचे आना शुरू हुआ और सारे दिन नीचे आता गया, कुल मिलाकर ब्लैक कैंडल बन गया। इस तेज़ी का कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ अर्थ उनके लिए था जो कि कल खरीद के गए थे, उनको बहुत अच्छी तेज़ी मिल गई। बाकी सभी जो आज खरीद रहे थे या आज कोई रुख देखना चाहते थे, उनको तेज़ी का रुख नहीं मिला। तो बाजार में जो प्राइस पैटर्न है, अब ये देखिए, लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, तो कुल मिलाकर हम एक करेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये करेक्शन कहाँ रुकेगा, कैसे ख़त्म होगा, वो तो बाद में ही पता चलेगा, पर अभी ये समझ में आ रहा है कि बाइंग समझ के करनी चाहिए और बेचना भी समझ के होगा, क्योंकि करेक्शंस को ट्रेड करना सरल नहीं है। पर फिर भी जो रुख है वो हल्की मंदी का ही रुख है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। हम फिर एक वीडियो में बात करेंगे, सप्ताह शुरू होगा अगला सप्ताह उसके पहले, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।